सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ पुत्र। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कारेंट टेक्निकल लिंक्स पर। और आज भी यहां पर डिस्कस करने वाला हूं इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी, आपको कौन सा एसी परचेस करना चाहिए। अगर आप रिसेंटली एक एसी परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप एसी परचेस कर दिया या नहीं किया तो भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो बहुत सारा कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप एसी परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है, आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी, कौन सा। और सेकंड क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू स्टार, थ्री स्टार, फाइव स्टार, इसमें होता है टू स्टार, थ्री स्टार, फाइव स्टार, इसका मीनिंग क्या है। और थर्ड क्वेश्चन यही आता है कि जितना आपका रूम है वो रूम देख के मेजरमेंट करके आपको एक एसी परचेस करना चाहिए, एक टन, डेढ़ टन या दो टन, कौन सा एसी परचेस करना चाहिए और कौन सा एसी का रूम मैनेजमेंट कितना है, आपको ये जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो एसी आया था वो था नॉन इन्वर्टर एसी, तो अभी आया सारा कुछ इन्वर्टर एसी, तो इसमें इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो नॉन इन्वर्टर एसी काम ऐसे करता है कि तो अगर आप एक डेढ़ टन का नॉन इन्वर्टर एसी परचेस किया तो कूलिंग कैसे करता है, तो फर्स्ट वो 1500 वाट से पावर लेता है और पावर लेने के बाद आपका रूम को कूल करता है। तो हो सकता है कि एक घंटे में आपका रूम टोटली कूल हो गया, उसके बाद वो टोटली स्टॉप कर देता है। कंप्रेसर जो है ना, कंप्रेसर का होता है पीछे, उस कंप्रेसर को पूरा स्टॉप कर देता है वो, ऐसे करके 15 मिनट्स तक स्टॉप, टोटली स्टॉप रहता है। उसके बाद वो फिर से एसी को ऑन कर देता है, 1500 वाट से वो एसी को ऑन कर देता है। उसके बाद वो हाफ एन आवर्स में फिर ऑफ हो जाता है और 15 मिनट्स ऐसे ही ऑफ रहता है। उसके बाद वो फिर से वो पूरे 1500 वाट से उसको ऑन कर देता है एसी को, ऐसे स्टॉप और ऑन, स्टॉप ऑन करके वो पूरे रूम को कूल करता है। तो इन्वर्टर एसी काम कैसे करता है, तो इन्वर्टर एसी अगर आप डेढ़ टन का एक इन्वर्टर एसी परचेस किया तो वो डेढ़ टन वाट से पहले ऑन हो जाता है। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद, शायद हाफ एन आवर्स या एक घंटा के बाद, ऊपर एसी में जो थर्मोस्टेट है उसको पता चल जाता है कि रूम पूरी तरह से वो 26 में आपको रखा तो 26 हो गया, कूलिंग 26 में हो गया। तो उसके बाद उसका जो थर्मोस्टेट है ना वो 1500 वाट से वो 1200 वाट में ले आता है उसका कंप्रेसर। उसके बाद वो 100 वाट पर आ जाता है, उसके बाद 800, उसके बाद 600, उसके बाद 400, उसके बाद 200, ऐसे करके 200 में टोटल स्टे करता है। तो ऐसे करके टाइम से वो काम करता है, वो कंप्रेसर को पूरा स्टॉप नहीं करता है। और जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो कंप्रेसर को पूरी तरह से स्टॉप कर देता है और 15 मिनट्स के बाद वो एसी को पूरी तरह से ऑन कर देता है, मगर इन्वर्टर एसी पूरी तरह से ऑफ नहीं करता। और इन्वर्टर एसी आपका वाट को थोड़ा थोड़ा कम करके वो 200 या 400 में टोटल स्टे करता है, ऐसे करके वो काम करता है। ऐसे करके इन्वर्टर एसी इलेक्ट्रिक जो आपका कंज्यूमिंग होता है वो कम कर देता है। तो इन्वर्टर एसी ऐसे करके प्रॉफिट कर देता है आपको, तो मगर इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इन्वर्टर एसी को ऐसे प्रॉब्लम होता है कि अगर आप बड़ा एक रूम के लिए एक 1 टन का एक इन्वर्टर एसी परचेस किया तो कुछ टाइम बाद वो तो एसी को ऑन कर दिया, तो कुछ टाइम बाद एसी का जो थर्मोस्टेट है उसको पता चल जाता है कि 1 टन से ये रूम को कूल नहीं कर सकते, तो क्या करता है कि वो 1.5 टन से ऑन हो जाता है। तो ऐसे करके उसका, उसके बाद जब रूम को टोटली कूल कर देता है तो उसके बाद वो डिक्रीज हो जाता है, उसका वाट धीरे धीरे करके डिक्रीज हो जाता है, मगर टाइम लेके डिक्रीज हो जाता है। अगर वो देखता है कि एसी रूम बहुत बड़ा है, वो कूल नहीं कर सकता है ये रूम को, तो वो एसी चलता रहता है, वो एसी स्टॉप, वो एसी का जो कंप्रेसर है वो स्टॉप ही नहीं होता है, तो चलता रहता है। तो इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी को आपको किस तरह से यूज करना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए शायद 6 आवर्स, 10 आवर्स, 8 आवर्स के लिए एक एसी चाहते हो तो आपको एक इन्वर्टर एसी को परचेस करना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर एसी लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा काम करता है, आपको इलेक्ट्रिक को कंज्यूम करके देता है। और आप अगर आप 30 मिनट्स या एक घंटे के लिए एसी को यूज करना चाहते हो तो आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी को परचेस करना चाहिए। अगर आप एक एसी परचेस करना चाहते हो तो आपको रूम मैनेजमेंट पहले देखना होगा, रूम मैनेजमेंट से आपका रूम का साइज से आपको एक एसी परचेस करना चाहिए, 1 टन, 1.5 टन या 2 टन, कौन सा वाला एसी आपको परचेस करना चाहिए, तो मैं अच्छी तरह से यहाँ पर बोलता हूँ। तो अगर आपका रूम 9x10 फीट रूम है तो इस रूम के लिए आपको 1 टन की एसी आपको परचेस करना चाहिए। तो अगर आपका रूम 10x11 फीट है तो आपको एक 1.2 टन का एक एसी परचेस करना चाहिए।
अगर आपका रूम 10x15 फीट है तो आपको एक डेक्टोन का एसी परचेस करना चाहिए। अगर आपका रूम 10x20 फीट है तो आपको एक 2 टन का एसी परचेस करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अच्छे से बोला, आपका रूम साइज देख के, आपका रूम का मेजरमेंट देख के आपको एसी परचेस करना चाहिए, 1 टन, 1.5 टन या 2 टन है, कौन सा एसी परचेस करना चाहिए। तो आप देखा कि एसी में 2 स्टार, 3 स्टार या 5 स्टार होता है। तो ये क्या है, तो एसी का जो कॉम्प्रेसर होता है, पीछे आप देख सकते हो, ये एसी का बाहर जो होता है कॉम्प्रेसर, उस कॉम्प्रेसर जितना महंगा होता है तो उस कॉम्प्रेसर के हिसाब से आपको 2 स्टार, 3 स्टार या 5 स्टार होता है। तो जितना महंगा है, नॉर्मल एक कॉम्प्रेसर है तो 2 स्टार है, उससे थोड़ा सा ज्यादा बेटर कॉम्प्रेसर है तो 3 स्टार है, और 5 स्टार बहुत अच्छा कॉम्प्रेसर होता है। और 5 स्टार में आपका जो एसी का जो गैस होता है ना, वो गैस का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, वो गैस बहुत शॉर्ट टाइम में आपका घर को, टोटल घर को कूल कर देता है, और जो कूल होता है ना, वो कूल ज्यादा टाइम से वो स्टे करता है कूल, तो इसलिए 5 स्टार सबसे बेस्ट होता है। प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है 5 स्टार का। तो आप मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी या थर्ड कैटेगरी का एसी के बारे में। और फर्स्ट कैटेगरी एसी में है हिटाची, डाइकेन, मिसिबिसी या कैरियर, ये सारा कुछ एसी या और कुछ हो सकता है, ये एसी फर्स्ट कैटेगरी में आता है, और इनमें से सबसे बेस्ट है हिटाची एसी। और सेकेंड कैटेगरी में आता है वोल्टास, सैमसंग, एलजी और कुछ हो सकता है, और इनमें से सबसे बेस्ट मुझे लगता है वो वोल्टास है। और थर्ड कैटेगरी एसी में आता है हायर, इलेक्ट्रोरस, गोदरेज और वीडियोकॉन, इनमें से हायर और वीडियोकॉन एसी बेस्ट, थोड़ा सा बेस्ट हो। और मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, मेरा आप अच्छी तरह से देख सकते हो, यहाँ पर मैं वोल्टास का एक एसी परचेस किया 1.5 टन का, और ये 3 स्टार का एसी है, आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हो, एसी अच्छी तरह से चल रहा है, यहाँ पर अभी 26 में चल रहे हैं, अच्छी तरह से कूल करता है। तो नॉर्मली मेरा इस टाइम मुझे इलेक्ट्रिक बिल आता है 3 मंथ लेके, एक्चुअली मेरा घर पे बहुत कुछ यूज करता है, और 3 मंथ में मेरा इलेक्ट्रिक बिल जो आता है वो 7 मंथ में वो होता है 3500 के आसपास आता है। और इस टाइम 3 मंथ इस वोल्टास एसी को यूज करने के बाद मैं यहाँ पर 2 एसी यूज करता हूँ, मेरा इस रूम पे एक लगाया और एक रूम है, उस रूम पे मेरा मदर रहता है, उस रूम पे मैं और एक एसी वोल्टास एसी को लगाया, सेम ही 1.5 टन का 3 स्टार एसी। तो मैं यहाँ पर देखा कि 3 मंथ यूज करने के बाद इस एसी को, इस समर टाइम मेरा कल मेरा इलेक्ट्रिक बिल आया था, तो कल इलेक्ट्रिक बिल वो 4500 आसपास, तो सिर्फ 1000 इंक्रीज हुआ मेरा इलेक्ट्रिक बिल। तो मैंने देखा इस वोल्टास एसी बहुत अच्छा है, एक्चुअली इन्वर्टर एसी है, तो मैं जब मेरा रूम पे आता हूँ ना, 9 बजे तक मेरा रूम पे आ जाता हूँ, तो 9 बजे ये एसी ऑन हो, मैं इसको ऑन करता हूँ, और सुबह 4 से 5 तक ये एसी टोटली कंटिन्यू रहता है, और वो दूसरा जो एसी है वो एसी उतना ज़्यादा ऑन नहीं होता है, कभी कभी मेरा मदर वो उसको ऑन करता है। तो ये सारा कुछ देखे मैं 1000 एक्स्ट्रा है मेरा बिल, इलेक्ट्रिक बिल। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि वोल्टास एसी बहुत अच्छा करके मुझे इलेक्ट्रिक बहुत सेव करता है, मैं लॉन्ग टाइम के लिए इसको यूज़ करता हूँ, ये एक्चुअली इन्वर्टर एसी है, तो इस एसी को आप अच्छी तरह से परचेस कर सकते हो। और इस एसी का फिटिंग कैसे करता है, इस एसी का रिमोट फंक्शन सारा कुछ मैंने दिखाया, अगर आप उसको नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, तो आप वहाँ से अच्छी तरह से देख सकते हो। तो आज यहीं पर खत्म करते हैं, मैं एसी के बारे में सारा कुछ यहाँ पर आपको बोला, आप कौन सा एसी लेना चाहिए, और 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार क्या होता है, आपको रूम मेजरमेंट देख के आपको एसी परचेस करना चाहिए, मैं सारा कुछ यहाँ पर बोलने का कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेके तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। तो अगर इस चैनल कनेक्टिक न्यूज़ का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह का नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरे नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नया वाला वीडियो में, तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।